तो दोस्तों अब यहाँ पर चीन के लिए काल बनकर आने की तैयारी में भारत जुट चुका है, और अब तो यहाँ पर भारतीय साइंटिस्ट के साथ साथ हमारे जो एमएसएमई फिर स्टार्टअप्स है वो भी अब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक वेपन्स लाने की तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में न्यूज निकल कर आई थी कि चाइना अब भारत के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज को काफी तेजी से बिल्टअप करता जा रहा है, और अब ये काफी ज्यादा आई ओपनिंग एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है भारत के लिए। भारत यहाँ पर अब जल्द से जल्द इन्हें एक्शन लेना चाहिए। इसराइल जैसे देश जो इतने छोटे देश है तो वो भी इतने ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी फ्यूचर वेपन्स के मामले में, और आज के समय में अगर हम देखें तो काफी सारे हमारे हथियार तो इसराइल जैसे छोटे देशों से आते हैं। सो ये होता है कि जब अगर आप स्टार्टअप्स को मौका दें, स्टार्टअप्स को एंकरेज करें, तो किस तरह से वो बेहद ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को निजात कर सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी को आप ध्यान रखते हुए भारतीय सरकार भी हर एक स्टार्टअप को जो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उसे हर प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ देने के लिए भी तैयार है। ये फंडिंग मिलेगी अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, दैट मींस TDF। नाउ ये जो अब भारत की नई स्कीम है इसके तहत इंडिजिनस डेवलपमेंट तेजी से बूस्ट होगा ही, साथ ही में एक्सपोर्ट पर भी अब काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारा टारगेट यही है कि जो अभी इम्पोर्ट हो रहे सबसे ज्यादा हथियार उसे कम किया जाए और एक्सपोर्ट पर अब ध्यान देना शुरू करना है हमें। वैसे अर्लियर आपने देखा ही होगा कि 25% ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट अब होगा फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया अंडर द यूनियन बजट 2022-23। अब ये स्कीम 90% जितना भी प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है उसे भी उठाने के लिए तैयार है, एंड ऑल्सो ये अलाउ करेगी इंडस्ट्रीज को कि वो साथ आए, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करे, फिर एकेडेमिया यहाँ पर साथ में आए, ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का भारत के भीतर बनाना चाहते हैं फॉर फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म। फाइनली अब यहाँ पर टिल डेट आपको बता दें कि 56 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कर दिया गया है अंडर दिस TDF स्कीम, और ये खुद मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है। सो इस तरह की स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।